मन कर रहा है कि महबूबा को यहीं पे जूता खोल के मारूं, यहीं पे मेरा मूड खराब हो रहा है। तिरंगा के बारे में आप शब्द कहोगे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा पत्रकार महोदय। जाओ पाकिस्तान में, तेरे लिए रेड कार्पेट लगा हुआ है, जाओ पाकिस्तान में, तुम्हारे औकात दिखा देंगे। अरे नोचने वाले खड़े हैं वहां पे, कहीं लगा आपको कि नजरबंद थी, लगातार काजू किशमिश दूध दही पी रही थी, अब बोल रही कि मुझे जेल में बंद किया गया है। तुझे जेल में बंद इसलिए किया गया था कि तू बाहर आती ना तुम डस लेती। देश को तोड़ने में लगी हुई है, कश्मीर को तोड़ने में लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि कश्मीर का युवा दिल्ली में आए, अपना कालीन बेचे, ड्राई फ्रूट्स बेचे, केसर बेचे, वहाँ का संस्कृति यहाँ पे आए, यहाँ के लोग वहाँ पे जाएं, आर्मी को गड़ियाओ, वही आर्मी तुम्हारा रक्षा करता है। और उसी आर्मी, अभी आपने देखा होगा 2-3 वीडियोस, इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों का सरेंडर करवा के माई बाबूजी से मिलवाया, ए मिलो अपने अम्मी से, अब्बू से मिलो। वहाँ की जो आर्मी है चाहती है कि हम वहाँ के सिविलियन का कनेक्शन जोड़ें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद अब महबूबा मुफ्ती सामने आई है, जो हमेशा देश विरोधी बयान करती रही हैं, और अब उन्हें शायद हमारे देश के झंडे से भी प्यार नहीं रहा। उसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद तिवारी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिवारी भैया, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्यों महबूबा मुफ्ती को हमारे देश से और हमारे देश के झंडे से इतनी नफरत क्यों है आखिर? देखिए, सबसे पहले इनके लिए एक गाना गा दूं, बहारो जूता बरसाओ महबूबा बाहर आई हैं, महबूबा बाहर आई हैं, जरा सा इनके मुंह पे गोबर लगाओ महबूबा बाहर आई हैं, महबूबा बाहर आई हैं। चलिए तो बात करते हैं कि महबूबा बाहर आई हैं। जिंदगी भर 1947 से लेके अभी तक, जब तक 370 का खात्मा जब हो गया, उससे पहले महबूबा, इमरान खान की महबूबा, हमेशा से पाकिस्तान के ही झंडा उठाई हैं वो। उन देखिए, जिंदगी भर जिसको आदत हो ना गू खाने की, उसको अचानक एप्पल देंगे, ग्रेप्स देंगे, काजू किशमिश देंगे, तो पचा नहीं पाती हैं। तो काजू किशमिश क्या है हमारा? हमारा तिरंगा झंडा है, पवित्र झंडा। मुर्दे के सामने रख दो तो मुर्दा खड़ा हो जाए, उसमें वो एनर्जी है। और आप बोल रहे हैं कि तिरंगा का झंडा नहीं उठाएंगी? अरे तिरंगा का झंडा उठाने की औकात आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी है ही नहीं। आप क्या बोलेंगी? आपकी औकात है तिरंगा के बदले में बोलने के लिए? आपने आप समझती क्या हैं? आप ये समझती हैं कि तिरंगा के बारे में आप शब्द कह देंगे तो आपको वोट मिल जाएगा? जितना आप शब्द कहेंगी कश्मीरी खुश होंगे? अरे कश्मीरियों का दिल तिरंगा के लिए धड़कता है। आप लोगों ने माइंड वॉश किया 1947 से लेके और अभी तक 2020 तक आपने सिर्फ कश्मीरियों के, आपने ये माइंड वॉश किया कि आर्मी के खिलाफ बोलो, आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो, संविधान के खिलाफ बोलो, और आज आप ये बाहर निकल के बोल रही हैं जोश में कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। मत उठाओ, तुम जाके तलवे चाटो इमरान खान का, हाफिज सईद का, जाके उन आतंकवादियों के बर्तन मांजो। आ तुम तो मांझ ही रही थी और आज बोल रही हो कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। आ तुम्हें लगा कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और वहां के जो कश्मीरी युवा हैं तुम्हारे साथ, अम्मा ने बोला है, अम्मा ने बोला है, अम्मा ने बोला है, वही लोग गरिया रहे हैं तुम्हें। और मैंने कल एक वीडियोस देखा, एक मेरे मुस्लिम भाई ने, कश्मीर का मुस्लिम भाई, बाकी का तो दिल धड़कता ही है, लेकिन कश्मीर के सिविलियन ने अपना शर्ट फाड़ के दिखाया कि तिरंगा यहाँ बसता है, तिरंगा यहाँ बसता है। और मैं बोल दूं आपको चैनल के माध्यम से, जो इस देश में रहेगा वो तिरंगा के खिलाफ अगर बोलेगा उसे इस देश से बाहर जाना पड़ेगा, वो चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो। हम पैदा हुए हैं तिरंगे के नीचे और हम मरेंगे भी उसी तिरंगे के नीचे, लेकिन इस देश में रह के तिरंगा खिलाफ बोलोगी तो जूतों की बरसात होगी, मुंह काला कर दिया जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तिरंगा के बारे में आप शब्द कह दें।
तुम सोच रही थी कि तिरंगा के बारे में अपशब्द कह दें और वहाँ कश्मीरी युवा और युवतियाँ आपके बयान में मिले शुरू मेरा तुम्हारा करना शुरू कर दे। सुना दिया ना, कश्मीर युवा जान गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर 370 का खात्मा किया है तो विकास के लिए, विकास को डेवलपमेंट को जोड़ने के लिए। आपने कभी महबूबा जी, आज भी देखिए सम्मान कर रहा हूँ, जी बोल रहा हूँ इस औरत को, ये तो मन तो करता है कि तिवारी भैया का वुडलैंड का जूता निकाल के मार 10 जूता इसको, आपा खो रहा हूँ आज इसको इस औरत पे देख के। मन कर रहा है कि महबूबा को यहीं पे जूता खोल के मारूं, यहीं पे मेरा मूड खराब हो रहा है। तिरंगा के बारे में आप शब्द कहोगे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा पत्रकार महोदय। ये औरत जो है विष कन्या, इतनी जहरीली औरत है जो लगातार कश्मीरियों को डसते रही है और आज बोल रही है कि तिरंगा नहीं उठा, मत उठा तो छोड़ दे यहाँ से, चली जा, जा पाकिस्तान में, तेरे लिए रेड कार्ड पर लगा हुआ है, जाओ पाकिस्तान में, तुम्हारे औकात दिखा देंगे। अरे नोचने वाले खड़े हैं वहां पे तुम्हारे जैसे, वहां सड़क पे 50 औरतें घूम रही हैं, तिरंगा नहीं उठाएगी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? देश के प्रधानमंत्री यही चाहते ना कि वहां के सिविलियन जो कश्मीरी हैं वो जुड़ जाएं देश के विकास से, हमारे बिहार यूपी झारखंड पश्चिम बंगाल से युवा जाएं वहां पे कश्मीर में और वहां पे कश्मीर में अपना फोटो खिंचवाएं। लोग तो बोलते हैं कि कश्मीर जो है हमारा स्विट्जरलैंड है, लोग हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम वहाँ जाएंगे अनंतनाग में, हम जाएंगे वहाँ पर कश्मीर में, बिहार के लोग जाएंगे, यूपी झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा चंडीगढ़ पश्चिम, सब लोग जाएंगे वहाँ पे कश्मीर को देखेंगे करीब से। लेकिन आप लोगों ने हाईजेक कर रखा है, आतंकवादियों को दे रखा है कि आतंकवादियों वहाँ गुलछड़े उड़ाते हैं, हमारे पैसे पे आप लोग पलते हो और हमें बोल रहे हो कि हमारे झंडा को बोल रहे हो कि हम झंडा नहीं उठाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, छाती पे गाड़ देंगे झंडा। लिमिट में रहो महबूबा, औरत हो औरत की तरह रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा को मत तोड़ो, तो तिवारी भैया का वुडलैंड का जूता बरसात कर देगा। बोल आप शब्द बोल रहे हैं तिरंगा के बारे में, ये कभी इनका दम नहीं हुआ कि 370 के बारे में कभी, उसके जितनी कुरूतियां उसके बारे में तो कभी नहीं बोली। देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि देश का अंतिम छोर तक डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए, अंतिम छोर तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं पीओके लेने में और ये औरत देश को तोड़ने में लगी हुई है, कश्मीर को तोड़ने में लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं कि कश्मीर का युवा दिल्ली में आए, अपना कालीन बेचे, ड्राई फ्रूट्स बेचे, केसर बेचे, वहाँ का संस्कृति यहाँ पे आए, यहाँ के लोग वहाँ पे जाएं, टूरिस्ट जाएं, बिजनेसमैन जाएं, वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ढल जाएं, लोग बिजनेस करें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं नहीं उठाऊंगी झंडा, मत उठाओ तुम झंडा, चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने जिंदगी भर महबूबा हो चाहे फारुखवा हो, ये दोनों लगातार कश्मीर के युवाओं को भ्रमित किया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने क्या सिखाया कश्मीरों को? ये सिखाया कि आर्मी पे पत्थर मारो, आर्मी को गड़ियाओ, वही आर्मी तुम्हारा रक्षा करता है। और उसी आर्मी, अभी आपने देखा होगा 2-3 वीडियोस, इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों का सरेंडर करवा के माई बाबूजी से मिलवाया, ए मिलो अपने अम्मी से अब्बू से मिलो। एक देखा होगा एक लड़का भटक गया था आतंकवादी, उसको इंडियन आर्मी ने बुलाया, इधर आइए इनको पानी पिलाओ, बंदूक कहाँ है, आपको कोई चोट नहीं आई ना? तो वहाँ की जो आर्मी है चाहती है कि हम वहाँ के सिविलियन का कनेक्शन जोड़ें, जो उनके दिमाग में, उनके डीएनए में, उनके ब्लड में भारतीय आर्मी के खिलाफ बोल डाला गया था, उसको पॉजिटिविटी करने के लिए वो चाहती है इंडियन आर्मी ना। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, इंडियन आर्मी लगातार वहाँ के सिविलियन को, कश्मीरियों को शिक्षा देने की कोशिश करती है, कश्मीर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लगातार कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस झंडा पे हमें नाज है उसी झंडे को आप बोल रहे हैं कि छुएंगे नहीं। तुम नहीं छुएगी तो क्या होगा? जहां मुर्गा नहीं होगा वहां बयान नहीं होगा, वहां बिहान होगा, सुबह होगा। आ तुम मत उठाओ, तुम्हारे में तिवारी भी है, तुम्हें बोल रहे हैं महबूबा, अगर तुम्हें दम है तो इस दौर को छोड़ के चले जाओ ना। लेकिन तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें इसे मलाई मिला है ना, जिंदगी भर चाट चाट के तुम लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके स्विस बैंक में भरे हो
और तुम चाहते थे कि 370 लगा रहे और मलाई चाटते रहे, एड़ा बन के पेड़ा खाते रहे, लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, वो चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे किसी भी देश के कोने में हो, वहां पे विकास पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार डेवलपमेंट का जो डिलीवरी होता है, डेवलपमेंट एक नाम होता है, उसको पहुंचाया जाए उसके लिए अग्रसर है, लेकिन महबूबा समझेगी नहीं। इसी कुनीतियां के कारण इसको जेल में रखा, नजरबंद किया गया था। और नजरबंद क्या किया गया था, देखा आपने इसके मुंह में, मुंह कैसा चिकना हो गया था इसका, माफ कीजिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं लगा आपको कि ये नजरबंद थी, लगातार काजू किशमिश दूध दही पी रही थी, अब बोल रही कि मुझे जेल में बंद किया गया है। तुझे जेल में बंद इसलिए किया गया था कि तू बाहर आती ना तुम डस लेती, और तुम अपने डसना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखो, 1.5 साल में कश्मीरियों का दिमाग अब बदल गया है, वो चाहते हैं कि देश के विचारधारा से मैच करें, दिल्ली के लड़कों से जुड़ाव करें, दिल्ली के लोगों से मिलें, पश्चिम बंगाल के लोगों से मिलें, बिहार के लोगों से मिलें और कश्मीर को जोड़ें। मैं भी चाहता हूं कि कश्मीर के लोग बिहार में आए, बिहार के लोग कश्मीर में जाए, मैं चाहता हूं कि यूपी के लोग कश्मीर में जाए, कश्मीर के लोग आगरा में आए और देश को जोड़ने की बात करें, देश की तोड़ने की नहीं। आपको याद होगा क्यों सत्ता बीजेपी ने छोड़े थे वहां पे, जब वहां पे क्लीन स्वीप चल रहा था, स्वच्छता चल रहा था, आतंकवादियों को मारा जा रहा था, ये क्या कब बोली थी कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, महबूबा ने बोला था ना, वो निर्दोष थे, जो इंडियन आर्मी पे पत्थर मारे उसको निर्दोष कहा जाएगा, वो निर्दोष कभी हो ही नहीं सकते, वो राक्षस हैं, वो एविल हैं। कोई भी देश के अगर झंडे पे, इंडियन आर्मी पे, इंडियन नेवी ऑफिसर पे, एयरफोर्स पे सवाल खड़ा करेगा वो आतंकवादी है। चाहे सर हम फारूक अब्दुल्ला को देख ले या फिर महबूबा मुफ्ती या फिर कोई भी वहाँ का लोकल नेता राजनेता, उन्होंने हमेशा से कश्मीर को तोड़ने की बात करी है, इंडिया से कश्मीर को हमेशा अलग करने की बात करी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, वहाँ के लोग चाहते हैं इंडिया से जुड़ना, वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो भी देश भर से जुड़ें और उनसे बात करें, तो क्यों ये सब लोग उनको तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं? देखिए पत्रकार महोदय, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी कुछ शब्द कहा, अगर देश के संविधान के खिलाफ, देश के इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलेंगे आप, झंडा के खिलाफ बोलेंगे, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति मेरे तिरंगा के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसकी औकात नहीं है। इस देश में रहना होगा तो तिरंगे को सलाम करना होगा, उस झंडे को चूमना होगा जो झंडा हमें एनर्जी देती है। लेकिन ये लोग क्या करते रहे हैं, आज जब से वहां पे 370 थोपा गया है, 35 से थोपा गया है, तब से लेके अभी तक सिर्फ वहां क्या किया गया, कश्मीर अलग, पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तानी प्रेमी, हम अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हो, तुम लोग की हकीकत है, तुम लोग में कहां से पैसा लेके आओगे, आ तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अलग होगे? कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, था, रहेगा। हाँ मुझे मालूम है उस समय कुछ कुनीतीय लोग थे जिन लोगों ने देश तोड़ने की ताकत किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि कश्मीर को वापस लेके रहेंगे, जो आप दूर कर रहे हो उसको हम करीब लेके आएंगे, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको करीब लेके आए, और वही देखा जा रहा है आज कि 370 और 35 को आज हटाया है उन्होंने और आज कश्मीर को जोड़ा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इनको तड़प हो रहा है। यही थी ना महबूबा बोल रही थी, कश्मीर एक क्या नाम है, 370 एक बारूद है जो छुएगा जल के राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अरे मोदी जी ने इसको छुआ भी और उसको कब्र में भी डाल दिया और उसकी 13वीं सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, सड़ गया, बदबू कर रहा है, अब वो नीचे गैस बन रहा है, लेकिन तुम उसके लिए मत बोलो, वो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी कर लो, तुम जिनपिंग के पास जाके लेट जाओ, उसके घर में बर्तन मांज लो महबूबा जी, जिनपिंग के घर में बर्तन मांज लो महबूबा जी, कुछ भी नहीं होने वाला है।
370 सब लोग चाहते थे कि हटे और वो हट गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे तिवारी भैया जी हमारे साथ, और जिस तरीके से जहर उगला जा रहा है महबूबा मुफ्ती द्वारा इतने टाइम से, तो वो अब देखना ये है कि वो अब कब रुकती हैं और कब अपने मुंह से ये जहर उगलना बंद करेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।